हेलो गाइज, आपके अपने चैनल शेयर मार्केट स्टॉकर में आपका स्वागत है। सो गाइज, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। वहाँ पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन करके जो भी आपकी क्वेरी है वो डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। सो गाइज, इस वीडियो में बात करेंगे टाइड वाटर ऑयल कंपनी इंडिया लिमिटेड, जो कि जबरदस्त कंडीशन में आज की बात करें 5% अपर सर्किट पे लो है। अगर 5 दिन की बात करें गाइज, तो 3 दिन से टोटली अपर सर्किट पे लो हो रहा है एंड काफी जबरदस्त कंडीशन है। जस्ट बिकॉज ऑफ इसके पीछे काफी सारे रीजन है। वो रीजन क्या है वो इस वीडियो के में डिस्कस करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बात करें जो कि ये क्या 20,000 को टच करेगा, तो वो भी एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है जो भी ऑलरेडी इसके इसमें जो इन्वेस्ट कर चुके हैं उनके लिए, जो इसमें होल्डिंग ऑलरेडी बनाए हुए हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बात करें जो कि नए इन्वेस्टर के लिए, तो अभी क्या करना चाहिए वो भी डिस्कस करेंगे। सो गाइज, हम आज की बात करें तो 14,482.65 रुपए इसका आज का ही है। लो की बात करें तो टोटली अपर सर्किट पे जो ऑफकोर्स एक हल्का सा जो कि डाउनफॉल देखने को मिला था 13,900.65 रुपए। सो गाइस, यहां पर एक जो कि काफी बड़ा मौका था इसको बाय करने का, जो भी इसको बाय करना चाहते थे। लेकिन अभी बात करें तो टोटली अपर सर्किट पे लॉक है। अगर इस एक नया बाउंड्री हाई भी सेट किया है, इवन अगर इसके मैक्सिमम की बात करें तो जो इसका बाउंड्री हाई है वही इसका मैक्सिमम है, टोटली पीक पर है अभी एट प्रेजेंट। इसके एनालिसिस की बात करें तो काफी सारी चीजें इसमें स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, इवन काफी सारी वीडियो मैंने आप तक पहुंचाई है। अगर बात करें स्पॉट एनालिसिस की, तो स्ट्रेंथ की बात करें 10 स्ट्रेंथ है, राइजिंग नेट कैश फ्लो एंड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कंपनी विद हाई टीडीएम ईपीएस ग्रोथ, न्यू 52 वीक हाई ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर, कंपनी विद लो डेप्ट। सो गाइस, यहाँ पर जो कि कर्ज है कंपनी के ऊपर, उधार है जो कि वो काफी लो है। इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 3 quarters, कंपनी एबल टू जनरेट नेट कैश, इंप्रूविंग नेट कैश फ्लो फॉर लास्ट 2 years, एनुअल नेट प्रॉफिट इंप्रूविंग फॉर लास्ट 2 years, कंपनी विद 0 promoter प्लेस, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्राइस अबाउट शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बात करें वीकनेस की, कंपनीज विद ग्रोइंग कॉस्ट ईयर ऑन ईयर फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, डिक्लाइन इन नेट प्रॉफिट विद फॉलिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर, हैंगिंग मैन बियरिश रिवर्सल, बट अभी ये चीजें नहीं बोल सकते क्योंकि इसका ऑलरेडी ऑपोजिट है, क्योंकि पूरी अभी जो कि टोटली मैक्सिमम पे है जो भी इसका जो अभी टोटली पीक पर है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बात करें अपॉर्चुनिटीज की, तो पॉजिटिव ब्रेकआउट थर्ड रेसिस्टेंस, हाईएस्ट रिकवरी फ्रॉम 52 वीक लो, एंड अगर बात करें थ्रेट की, इंक्रीजिंग ट्रेंड इन नॉन कोर इनकम, आज की बात करें या फिर कल की बात करें परसों की बात करें, तो अभी जो कि ऑफकोर्स दोबारा से एक मोटे बाइंग स्टार्ट हो चुकी है टाइड वाटर ऑयल में। एंड अपार्ट फ्रॉम सेंटीमेंट की, इसके सेंटीमेंट की, तो गाइस 89% बाय का, 6% सेल और 5% होल्ड करने का इसमें सेंटीमेंट नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर बात करें जो कि इसके फाइनेंशियल की, तो गाइस फाइनेंशियल काफी बेटर है, इवन जो कि मार्च क्वार्टर का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है जो कि 364 करोड़ का इसने रेवेन्यू शो किया था। तो कोई चेंज पर रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बात करें तो एक बड़ा जंप भी देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो गाइस नेट प्रॉफिट में जो कि प्रॉफिट इसका डाउन, यहां पर डाउनफॉल देखने को मिला था। एंड अर्निंग पर शेयर की बात करें तो गाइस अर्निंग पर शेयर में भी करीब करीब सेम सिचुएशन है जो कि नेट प्रॉफिट में है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बात करें इसकी होल्डिंग की, तो गाइस प्रमोटर होल्डिंग जो कि काफी बड़ी तादाद में है, 57.28% यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग है। अगर बात करें पब्लिक होल्डिंग की, तो 28.56% यहाँ पर पब्लिक होल्डिंग है। अगर बात करें यहाँ पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की, 11.7% होल्डिंग है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अदर्स की होल्डिंग भी 2.46% यहाँ पर नजर आ रही है। इसके अलावा जो कि ऑफकोर्स इसकी न्यूज की बात करें, तो काफी सारी न्यूज अभी मार्केट में फ्लैश हो रही है। एंड गाइस फर्स्ट न्यूज पर चलते हैं, जो कि ऑफकोर्स एक जब इसका फाइनेंशियल डिक्लेयर हुआ था, काफी अच्छा खासा प्रॉफिट इसने अर्न किया था, ईयर ऑन ईयर काफी बड़ा जंप देखने को मिला था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बात करें जो कि काफी फेमस न्यूज है, जिसकी वजह से जो कि जब इसका प्राइस 7,000 रुपए के आसपास हुआ करता था, तब से मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ, गाइस इसको ले लीजिए, एक बड़ा प्रॉफिट आपको दे सकता है, क्योंकि काफी सारी बेटर चीजें अभी होने वाली हैं। और वही हुआ ऑलरेडी, जो कि ये चीजें ऑलरेडी रिकमेंड कर चुका है, 1:1 का बोनस शेयर, 200 रुपए पर इक्विटी शेयर डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट, तो वो सारी चीजें भी ऑलरेडी ये अनाउंस कर चुका है। एंड अभी देखना बाकी ये है कि अभी इसमें डेट क्या एग्जैक्टली ये बढ़ क्यों रहा है, अभी क्या रीजन है इसके पीछे, जो कि अभी दोबारा से 5% का अपर सर्किट इसमें लगना शुरू हो गया है। सो गाइस, ऑफकोर्स ये न्यूज काफी जबरदस्त न्यूज थी, स्टॉक स्प्लिट बोनस एंड
डिविडेंड वाली जो कि ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इसके डिविडेंड और बोनस और इसके स्प्लिट की बात करें तो जो इसकी एक्सटेट है, रिकॉर्ड डेट है वो रिकॉर्ड डेट है 27th of July, मीन्स कि इसी महीने की 27 तारीख इसकी रिकॉर्ड डेट है, स्टॉक स्प्लिट के लिए भी प्लस बोनस इश्यू के लिए भी। तो सबसे पहले इसमें होगा सब डिविजन, इट मीन्स कि स्टॉक स्प्लिट फेस वैल्यू को ₹5 से घटा करके ₹2 पर ईच फुल्ली पेड अप जो कि किया जाएगा, जो कि ऑफ कोर्स जिसके पास दो शेयर हैं उसको दो शेयर के बदले ऑफ कोर्स जो कि ऑलरेडी जो कि पांच को घटा के दो शेयर कर दिया जाएगा। तो गाइस इसको जो कि ढाई शेयर पर जो कि इक्विटी शेयर के बदले जो कि ढाई शेयर दिए जाएंगे, इट मींस कि पांच शेयर हो जाएंगे जिसके पास दो शेयर होंगे। एंड उसके बाद जो कि बोनस भी इश्यू किया जाएगा सब डिविजन ऑफ शेयर, इट मींस कि पांच शेयर के 10 शेयर हो जाएंगे। तो गाइस जहां पर दो शेयर आपने लिए हुए हैं, ले रखे हैं या अभी लेने हैं आपको, तो उसके 10 बन जाएंगे। एंड अब क्वेश्चन आता है डिविडेंड का। तो गाइस डिविडेंड जो कि डिक्लेयर होने के जो कि ऑफकोर्स जो कि अभी डिविडेंड की डेट है वो अभी एजीएम में अनाउंस होनी है, ₹200 ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं। एक वीडियो के थ्रू मैंने प्रॉपर डिटेल में भी बताया था जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वहां पर क्लिक करके डिविडेंड का बोनस का सब वहां पर देख सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो कि एक नोटिफिकेशन जा चुका है जो कि ट्रेडिंग विंडो जो कि सीनियर मैनेजमेंट के लिए जो कि टॉप मैनेजमेंट के लिए क्लोजर का ऑलरेडी नोटिफिकेशन BSE और NSE को जा चुका है। इट मींस कि कभी भी इसका रिजल्ट करता है तो ये भी काफी बड़ी जो कि अनाउंसमेंट यहाँ पर जो कि की जा रही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये अभी क्वेश्चन ही आता है कि ₹20,000 टच करेगा। तो गाइस यहाँ पर अगर आज की वैल्यू को देखें तो करीब करीब जो कि आज की वैल्यू ₹14,500 है, आज की वैल्यू की बात करें तो ₹700 पर डे अगर एवरेज लगा के चले तो कम से कम अभी जो कि एक्सटेट इट मींस कि 26 जुलाई अगर रिकॉर्ड डेट 27 जुलाई है तो 26 जुलाई के आसपास ये करीब करीब 10 से 15 दिन के आसपास अभी और दिन बाकी है। तो गाइज उनको देखते हुए अगर ₹700 के हिसाब से तो गाइज जिस तरीके से अभी एट प्रेजेंट जो ग्रोथ हो रही है उसको देखते हुए जो अभी स्टॉक स्प्लिट बोनस और इन सबको देखें तो इसके अकॉर्डिंग अगर बाइंग होगी तो गाइस जल्द ही ये ₹20,000 को भी टच कर जाएगा जो अभी एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है। तो सो गाइस वंस अगेन थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो, सो प्लीज टेक केयर, प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।